हेडलाइंस आपने जानी, खबर देंगे आपको। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे आबिद खान से। आबिद बताएगा। बिल्कुल जी, स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवाल ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिए। अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब न हो तो चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही के वकील राणा इंतजार ने अदालत को यह बताया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर यह मुकदमा कायम किया गया, किसी भी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। जबकि इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि तमाम शवाहद और सबूतों की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की गई है, लिहाजा अदालत जमानत खारिज करे। गुज़श्ता रोज अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अब अदालत ने फैसला सुना दिया है और 10 लाख के मचलकों के एवज चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का। शुक्रिया आबिद खान, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।